हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स का यूनिट सेकंड मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट आपके सामने लेके आए हैं। इस चैप्टर का वेटेज हमारे बोर्ड में 10 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। 6 मार्क्स में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स में और 4 मार्क्स में वन क्वेश्चन आएगा तो वन क्वेश्चन, या ब्रेक डाउन करके 2 मार्क्स में वन मार्क्स में भी आता है। इस सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हम दे चुके हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। इसके नीचे मैं उसका लिंक आप वीडियो के नीचे डाल दूंगा। मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, रिप्रेजेंटेशन हम सीख लेते हैं। मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में m बाई n। क्या है इसको? कहते हैं ऑर्डर। m बाई n को कहते हैं ऑर्डर। m है टोटल नंबर ऑफ रोज। क्या है? टोटल नंबर ऑफ रोज। n है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। हमारे रेक्टेंगुलर एरे में जो ऐसे रहता है इसको कहते हैं फर्स्ट रो, सेकेंड रो, इसको कहते हैं ऐसे, हमारे रेक्टेंगुलर एरे में जो लाइन खींची जाती है इसको कहते हैं फर्स्ट कॉलम। इस लाइन कहेंगे सेकंड कॉलम और इसको कहेंगे थर्ड कॉलम। इस मैट्रिसेस में क्या हो गया? ऑर्डर हमारा हो जाता है 2/3 का। टू रोज वन टू थ्री कॉलम्स। इसमें पूछ लिया जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स m बाई n का जो भी रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करने, जैसे इस मैट्रिसेस में m है 2, n है 3, इसका रिजल्ट 6 आ गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए हमारे 6। मैट्रिसेस रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर। मैट्रिसेस को ऑलवेज कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल लेटर्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, वह ए से जेड तक के बीच में। मैट्रिसेस है ओन वैल्यू, मैट्रिसेस की खुद की वैल्यू होती है। आगे आने वाले वीडियोस में इस टॉपिक के बारे में पूरा आपके बारे में बताएंगे। मैट्रिसेस हैव नॉट ओन वैल्यू। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस हम जान लेते हैं। अब जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस,
रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में ए आई जे वेयर वेयर आई इक्वल टू रो नंबर जे इक्वल टू कॉलम नंबर। अब आप लोग पूछेंगे कि रो नंबर क्या होते हैं, कॉलम नंबर क्या होते हैं, आइए इसको भी समझ लेते हैं। मैट्रिसेस को ए इक्वल टू कोई मैट्रिसेस है, या ए बी सी डी कैपिटल लेटर्स में कुछ भी लिखा हो सकता है। मैट्रिसेस ए इक्वल टू ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू। यहाँ पे हमने एक स्क्वायर मैट्रिसेस बना ली 2x2 का, तो जो 1x1 पोजीशन पे है इसमें i क्या है, i इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस पोजीशन के बारे में जब बात करेंगे i इक्वल टू 1 हो जाएगा और j इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन जो है i 1x1 है, सेकंड पोजीशन i 1x2 है। अगर हम रोस में लेंगे, फर्स्ट रोस में अगर देखेंगे तो फर्स्ट रोस की पोजीशन ये हो जाएगी, फर्स्ट रोस सेकंड रोस फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। आइए एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। गिवन है मैट्रिसेस 2x2, 2x2 की मैट्रिसेस गिवन है और हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखी है i प्लस j बाई टू फाइंड मैट्रिसेस वैल्यू। मैट्रिसेस वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अब ए वन वन जो हमारी फर्स्ट पोजीशन है ए वन वन, इसको हम ले लेते हैं ए वन वन। फाइंड करते हैं i की पोजीशन पे क्या है, हमारा 1 है, j की पोजीशन पे हमारा 1 है। वैल्यू पुट करते हैं 1 + 1/2, 2x2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हम सेकंड पोजीशन ले लेते हैं a 1x2, i की पोजीशन पे क्या है, i पे 1 है, j पे 2 है। इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे 1 + 2/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब थर्ड पोजीशन ले लेते हैं a 2x1 ले लेते हैं, i पे क्या है, i पे 2 है, j पे हमारा 1 है। वैल्यू पुट कर देते इक्वेशन में 2 + 1/2, क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। फोर्थ पोजीशन लेते हैं a 2x2 को ले लेते हैं हम, i क्या है, i 2 है, j क्या है, j 1 है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 2 + यहाँ पे j 2 है, 2 + 2/2, 4/2 इक्वल टू 2 आ गया। हमको मैट्रिसेस बनाना है ऑर्डर 2x2 का। अगर हम जब भी हमको मैट्रिसेस बनाना हो किसी का 2x2, 2x3, 3x4, कितने का मैट्रिसेस बनाना हो, सबसे पहले हम लिंक देखेंगे क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या सीन करेंगे, ये 2x2 को बनाना है, फर्स्ट सीन करेंगे टोटल नंबर ऑफ क्या, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हो, क्या सीन करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। आपको हमने बताया है 2x2 कैसे बनाना है। 2x2 की मैट्रिसेस हमारे पास ये रही, यहां पर हमने 2x2 का ले लिया। पहले हमने क्या देखा, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, हमने टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। क्या किए, मैट्रिसेस का नाम ए है, ए लिख लिया है यहां पे, ए इक्वल टू ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू।
जो हमने वैल्यू निकाली है उसको पुट कर देंगे इस पोजीशन पे। ए वन वन कितनी वैल्यू निकाली हमने, ए वन वन की वैल्यू है 1, 1 लिख देंगे। ए वन टू की वैल्यू यहाँ कितनी निकाली है, 3/2 लिख देंगे हम। अच्छा पूछेगा ए टू वन की वैल्यू कितनी निकाली है, ए टू वन की वैल्यू हमने निकाली है 3/2 पुट कर देंगे। ए टू टू की वैल्यू कितनी निकाली, 2। ऑर्डर क्या है, 2/2 का, 2 रोज 2 कॉलम। हमने ऐसे किसी मैट्रिसेस का जनरल रिप्रेजेंटेशन जब दे देगा हमको, उस मैट्रिसेस का ऐसे वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में जानते हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में, जिसका ऑर्डर होता है m/n, और m/n का प्रोडक्ट जो बनेगा उसको हम कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जनरल रिप्रेजेंटेशन हमने सीखा मैट्रिसेस का, IAIJ। अब हम सीखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। आपने प्रीवियस क्लासेस में मॉड का सिंबल पढ़ा होगा, मॉड के सिंबल्स को यहां डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसका ऑर्डर सेम होता है, ऑर्डर क्या होता है, सेम नंबर ऑफ रोज, सेम नंबर ऑफ रोज इक्वल टू सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। आइए इस बात को समझते हैं। ऐसे हमको किसी भी डिटरमिनेंट्स को बनाना है तो हमेशा क्या होगा, सेम नंबर ऑफ रोज इक्वल टू सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं था, मैट्रिसेस में क्या था, ऑर्डर कुछ भी हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें ऑर्डर हमेशा सेम होंगे। डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डेल्टा का सिंबल लेते हैं और DET का सिंबल लेते हैं। डिटर्मिनेंट है बोन वैल्यू, डिटर्मिनेंट के पास क्या होती है, खुद की वैल्यू होती है। जितने भी डिटर्मिनेंट्स होंगे, डिटर्मिनेंट्स हैव ओन वैल्यू। जब आपको हम आगे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालेंगे तब इस बात को क्लियरिफाई करेंगे कि किसकी, इसकी खुद की वैल्यू कैसे होती है। हम आगे बढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस सीख लेते हैं। ऑपरेशंस का मतलब होता है, 4 ऑपरेशंस हमारे मैथमेटिक्स में हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। हम पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सीख लेते हैं। एडिशन करते समय हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखना है, सेम नंबर ऑफ रोज, सेम नंबर ऑफ रोज इक्वल टू सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। हमारे पास एक मैट्रिसेस दे रखी है A=3, 2, 5, 7, 2/2 की मैट्रिसेस है। B=7,
7 5 7 2 8 6 क्या है 2/3 की मैट्रिसेस है। अब हम इसमें चेक करेंगे कि सेम नंबर ऑफ रोज इक्वल टू सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देख रहे हैं यहां पे 2/2 की मैट्रिसेस है, 2/2 की मैट्रिसेस है, तो हमारे पास रो कितने हैं, रो हमारे पास है 2, कॉलम कितने हैं यहां पे, कॉलम भी हमारे पास 2, यहां पे हमारे पास रो कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 3। हम देख लेते हैं 2 2, ये सेम है, पहली कंडीशन हमारी जस्टिफाइज हो गई, सेम नंबर ऑफ रोस। अगली कंडीशन क्या है, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स को अब चेक करते हैं हम लोग, फर्स्ट ए में कॉलम्स 2 है, यहां पे कॉलम्स 3 है, क्या हो गया, ये हो गया डिफरेंट, क्या हो गया, कॉलम्स हो गए डिफरेंट। कॉलम्स जब डिफरेंट हो गए तो मैट्रिसेस पॉसिबल नहीं होगी। साफ साफ लिखा है सेम इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, ये डिफरेंट हो गए, तो ये मैट्रिसेस का हम, इस मैट्रिसेस का एडिशन अब पॉसिबल नहीं है। मैट्रिसेस एडिशन नॉट पॉसिबल, क्या हो जाएगा, एडिशन नॉट पॉसिबल। अब अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं, ए इक्वल टू 2 5 6 7 ऑर्डर 2/2, बी इक्वल टू 5 8 4 6। अब दो मैट्रिसेस हो गए, दोनों का ऑर्डर क्या है 2/2 का है, कॉलम भी 2 है, रो भी 2 है, दोनों में सेम है। यहां पे कंडीशन क्या है, सेम नंबर ऑफ रोस इक्वल टू सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, कंडीशन दोनों में जस्टिफाई हो रही है। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, ऐड करने का क्या सिस्टम है, ए प्लस बी इक्वल टू ए 11 की पोजीशन पे 2 है, ए 11 पोजीशन पे 5 है, तो सेम पोजीशन वाले को ऐड कर लेंगे, ए 21 पोजीशन पे 5 है, ए 12 पोजीशन पे 8 है, दोनों को ऐड कर लेंगे, 21 पे 6 है, 21 पे 4 है, 6 प्लस 4 कर लेंगे, 22 पे 7 है और इसमें भी 22 पे 6 है, ऐड कर लेंगे। उसके बाद देखिए सम कितना आता है, 7 13 10 13। अब हम इसका रिवर्स देखते हैं, b प्लस ए कितना आएगा, b प्लस ए कितना आएगा, पहले b को लिख लेते हैं हम 5 8 4 6 प्लस 2 5 6 7, ऐड कर लेते हैं, ए 11 पोजीशन पे 2 है, यहां पे भी ऐड कर लिया, उसके बाद ए 12 पोजीशन पे 8 है, यहां पे 5 है, दोनों को ऐड कर लिया, यहां पे ए 22 पोजीशन पे 4, यहां पे 6, इसको ऐड कर लिया, यहां पे ए 22 पे 6, ए 22 पे 7, इसको ऐड कर लेते हैं, 7 13 10 13। हम क्या देख रहे हैं, आप दोनों मैट्रिसेस सेम आ गए, बी प्लस ए या ए प्लस बी, दोनों क्या आ गए, सेम आ गए, लेकिन सब में सेम नहीं आएगा, सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन में ये चीजें
सेम नहीं आती है, आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। इसमें क्या है, दोनों में सेम आ गई तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, बाकी सब में जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी होल्ड ही करे। इस बात का हमको ध्यान रखना है कि किसमें कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, किसमें कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब सीखते हैं सेकेंड ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। क्या सीखते हैं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, एक इसमें भी कुछ रूल्स हैं, रूल्स को लिख लेते हैं। सेम नंबर ऑफ रोज इक्वल टू सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, ए इक्वल टू 963, बी इक्वल टू 568। ऑर्डर कैसे पता करेंगे, टू रोज दे रखे हैं, वन रोज टू रोज। कॉलम कितने हो गए, वन कॉलम टू कॉलम थ्री कॉलम। क्या हो गया हमारा ऑर्डर, 2/3 का। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ लिया तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछेगा, 2/3 इक्वल टू 6 आ जाएगा। हम अब ले लेते हैं मैट्रिसेस बी, 7, 8, 3, 6। इसमें देख लेते हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, हमारा यहां पर ऑर्डर बनता है 2/2 का। अब हम चेक करते हैं कि इसमें जो डिफिनेशन है, सेम नंबर ऑफ रोज इक्वल टू सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, यहां पे हमारा क्या बनेगा, रोज 2/2 सेम है, क्या है, सेम है। फर्स्ट कंडीशन तो जस्टिफाई हो गई, सेम है। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, अब 3 है कॉलम, यहां पे कॉलम 2 है, ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। जो हमारा बना था सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स यहां पे नहीं है, यहां पे क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो इस मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, क्या नहीं है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है, सब्ट्रैक्शन नॉट पॉसिबल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जितने ज्यादा एग्जांपल हम लगाएंगे उतने अच्छे से हमको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। ए इक्वल टू 867, ऑर्डर लिख लेते हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो या फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, 2/2 की मैट्रिसेस है। बी ले लेते हैं 5, 7, 10, 15, फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, ऑर्डर क्या हो गया, 2/2 का ऑर्डर हो गया। यहां रोज भी 2 है, कॉलम्स भी 2 है, जो हमारा क्वेश्चन बना था सेम नंबर ऑफ रोज, रोज इक्वल टू सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, ये जस्टिफाई कर रहा है। अब हम ले लेते हैं इसका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, यहां पे a माइनस बी इक्वल टू 8, 6, 7, 9। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 हो जाएंगे, 2/2 4।
माइनस बी कर लेते हैं, हम क्या करेंगे ए वन वन पोजिशन को माइनस करेंगे पहले, 8 माइनस 5, ए वन टू पोजिशन को माइनस करेंगे 6 माइनस 7, ए टू वन पोजिशन को माइनस करेंगे 7 माइनस 10, ए टू टू पोजिशन को माइनस करेंगे 9 माइनस 15, 8 माइनस 5 3, 6 माइनस 7 माइनस 1, 7 माइनस 10 माइनस 3, 9 माइनस 15 माइनस 6, हमारे पास ये आ गया। अब हम इसका जैसे फर्स्ट में कंडीशन हमने चेक किया था ए प्लस बी बी प्लस ए, वैसे ही हम चेक करते हैं आगे। यहां हम ले लेते हैं बी माइनस ए, क्या ले लेते हैं बी माइनस ए, हमारे पास बी कितना दे रखा है, बी कितना रखा है देखिए ध्यान से, 5 10 7 15 माइनस ए कितना देखा है 8 6 7 9, दोनों का ऑर्डर क्या है 2/2 का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 4। अब बी माइनस ए को हम साथ में लिख लेते हैं, ए वन वन 5, ए वन वन 8, 5 माइनस 8, अब यह 7 6, ए वन टू 7 माइनस 6, ए टू वन 10, 10 माइनस 7, ए टू टू 15 माइनस 9, ऑर्डर कितना है 2/2 का, क्या आ जाएगा 5 माइनस 8 करेंगे -3, 7 माइनस 6 1, 10 माइनस 7 3, 15 माइनस 9 6, ऑर्डर 2/2 का। हमारे पास b माइनस ए आ गया है, a माइनस बी हमारे पास ये रहा। अब चेक करिए कि दोनों सेम आ रहा है कि दोनों डिफरेंट आ रहा है। ए वन वन पोजिशन पर हम देखेंगे 3 है, ए वन वन पोजिशन पर देखेंगे -3 है, ये क्या हो गया डिफरेंट हो गया, एडिशन में क्या था सेम आ रहा था लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या हो गया डिफरेंट हो गया, इस बात का हमको ध्यान रखना है, क्या रखना है ध्यान रखना है, ए माइनस बी क्या हो जाएगा डज नॉट इक्वल टू, ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, सेम कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा बी माइनस ए डज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी, इस बात का हमको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि यहां पे सेम नहीं होता लेकिन एडिशन में सेम होता है। तो यहां पे आज का लेक्चर हम यहीं पे अपना फिनिश करते हैं, आने वाले लेक्चरों में हम मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना सीखेंगे और टाइप ऑफ मैट्रिसेस सीखेंगे। देखते रहिए वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।